किटकैट चॉकलेट नहीं है बल्कि ये तो कुछ और ही है। कैसे आप एक सिंपल सी चीज करके दुनिया के टॉप 4th लोगों में आ सकते हैं, और कैसे एक कार एक्सीडेंट अपोलो मिशन की ऐसे की तैसी कर सकता था। अगर आप बस ये लिख दें तो आप फ्री में खाना खा सकते हैं, और वो भी जितना मन उतना। भाई वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 15, एक सिंपल सी चीज करके आप पूरे दुनिया के सिर्फ टॉप 4 लोगों में आ सकते हैं, और करना भी बहुत आसान है, इसे आप भी इजीली कर सकते हैं। असल में दुनिया में एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे सिर्फ पूरी दुनिया में 3 लोग ही बोल सकते हैं। बदेसी एक पाकिस्तानी लैंग्वेज है जिसे आप इंसर्ट जाकर आज भी सीख सकते हैं, और आप ऐसे 4th इंसान बन जाएंगे जो दुनिया में ये लैंग्वेज सीखे हैं। नंबर 14, आप सोशल मीडिया पर किसी वीडियो पर 1000 व्यूज देकर उसे फ्लॉप या बेकार समझते होंगे, क्योंकि यूट्यूब और इंस्टा में 1000 व्यूज मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस इमेज को देखिए, अगर 1000 लोग एक ही जगह पर बैठे होंगे तो कितने ज्यादा लगेंगे, इसीलिए शायद उन 1000 व्यूज वाले वीडियोस को फ्लॉप नहीं समझना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि सोशल मीडिया के टर्म्स में 1000 व्यूज बहुत ही कम है, मेरे वीडियोस पर तो 1000 व्यूज भी नहीं आते। नंबर 13, आखिर कैसे सिर्फ एक कार एक्सीडेंट पूरे के पूरे अपोलो मिशन की ऐसी की तैसी कर सकता था। असल में पूरे अमेरिका में सिर्फ 3 ही ऐसे लोग थे जो अपोलो 15 के वापसी पैराशूट को हैंड पिक कर सकते थे। ये टास्क इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स था कि ये किसी मशीन से नहीं बल्कि हाथों से ही किया जा सकता था, और नासा को इसी बात का सबसे ज्यादा डर था। इसी वजह से कभी भी इन तीनों बंदों को एक साथ कार में ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि एक सिंगल एक्सीडेंट पूरे इस मिशन को अपाहिज कर देता, क्योंकि अगर ये बंदे चले जाएंगे तो उनका पैराशूट कौन खोलेगा। नंबर 12, अक्सर आपने ऐसे सीजर्स में ऐसा दांत जैसा पार्ट तो जरूर देखा होगा। एक्चुअली में इसका सिंपल सा काम कैंस को ओपन करने का और अखरोट जैसे हार्ड चीजों को तोड़ने का होता है। नंबर 11, दोस्तों टेक्नोलॉजी के इस दौर में आपको संभल कर सोशल मीडिया यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फोटोज किसी के हाथ लग गई फिर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। डीप फेक टेक्नोलॉजी AI का एक रूप है। ये टेक्नोलॉजी किसी रियल फोटो और वीडियो में किसी दूसरे इंसान के फेस को या आवाज को बदल सकती है। इसकी मदद से एक सिंगल फोटो से एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई जा सकती है। कई बार इस टेक्नोलॉजी से बनी वीडियो और इमेज इतनी एक्यूरेट होती है कि लोग आसानी से उस पर भरोसा कर लेते हैं। नंबर 10, एक बार इस फोटो को देखिए। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये एक हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग है जो नीतू दुबे नाम की आर्टिस्ट ने बनाई है। इस फोटो को देखकर आप बता नहीं सकते कि ये पेंटिंग है या असली तस्वीर। नंबर 9, आपको तो पता ही होगा कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के साइज को बड़ा करने के लिए लोग कई तरह के केमिकल्स इंजेक्शन का यूज करते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ बिना किसी इंजेक्शन के यानी नेचुरली फ्रूट्स को बहुत ज्यादा बड़ा किया जाता है। मैं बात कर रही हूँ अलास्का की। यहाँ के फल और सब्जियाँ बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलास्का में फसल के समय दिन 20 घंटे का होता है और रात सिर्फ 4 घंटे की, जिससे सूर्य की रोशनी ज्यादा मिलती है। नंबर 8, अगर आपको हनुमान चालीसा याद है तो आप फिर मुफ्त में खाना खा सकते हैं। जी हाँ, राजकोट में सरदार जी की एक होटल है जो राम का नाम 2000 बार लिखने पर या फिर पूरी हनुमान चालीसा जपने पर मुफ्त में पंजाबी थाली खिलाते हैं। इससे भी अच्छी बात तो यह है कि इस रेस्टोरेंट में कोई बॉलीवुड गाना नहीं बजाया जाता, सिर्फ राम जी का भजन बजाया जाता है। नंबर 7, कभी सुना है कि मार्केट में 7 लाख का जहर भी बिकता है, वो भी सिर्फ 1 ग्राम जहर। वो जहर किसी नागिन का नहीं बल्कि बिच्छू का है। इसका इस्तेमाल ब्रेन ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर जैसे खतरनाक रोगों की दवाई बनाने में होता है। 1 ग्राम जहर से करीब 20,000 से 50,000 तक एंटी वेनम डोज बनाया जा सकता है। और हाँ, ये लाल बिच्छू होता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। नंबर 6, बोतल में पानी बेचना एक आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी कैन में पानी पिया है? लिक्विड डेथ एक ऐसी कंपनी है जो कि कैन में पानी बेचती है। इनका कहना है कि जब लोग ऑफिस पार्टी या बिजनेस पार्टी में जाते हैं और जो लोग स्पेशली ड्रिंक नहीं करते उनको उस पार्टी में बहुत अजीब फील होता है। अगर वो हमारी इस कैन को हाथ में पकड़े और ड्रिंक करें तो उनको प्रीमियम फील होगा, मतलब इन्होंने सीधे लोगों के साइकोलॉजी से खेला है। नंबर 5, पेप्सी कंपनी ने स्टिंग को भारत में 2017 में लॉन्च किया था, तब इसकी कीमत 50 रुपए थी। उस समय स्टिंग मार्केट में अपनी पकड़ नहीं बना पाया, फिर एक साल बाद कंपनी ने इसकी कीमत को कम करके 20 रुपए कर दिया।
और बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए एड पर ज्यादा पैसा खर्च किया, जिसके बाद स्टिंग आज भारत में सबसे बड़ा एनर्जी ड्रिंक ब्रांड बन गया है और 2022 में इन्होंने 1,000 करोड़ से भी ज्यादा की सेल की है। नंबर 4, क्या कभी आपने फुल रेनबो देखा है? आप जो रेनबो देखते हैं वो हमेशा हाफ सर्कल में दिखता है और हमें लगता है कि रेनबो आधा ही होता है, लेकिन रेनबो असल में पूरा कंप्लीट सर्कल होता है, जो सच में बहुत अमेजिंग है। नंबर 3, द जायंट बैरल स्पॉन्ज, ये एक ऐसा जीव है जो तकरीबन 2300 सालों तक जीवित रह सकता है। नंबर 2, दोस्तों ये है बॉल पेन की टिप जो कि माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसी दिखती है। नंबर 1, किटकैट चॉकलेट नहीं बल्कि एक वेफर है। जी हाँ, नेस्ले कंपनी जो कि किटकैट को बनाती है, उन्होंने ये कहा कि ये एक वेफर है जिस पर चॉकलेट का एक लेयर है। ऐसा नेस्ले ने इसलिए किया क्योंकि चॉकलेट पर 20% टैक्स लगता है और वेफर पर 10% टैक्स लगता है, तो इसी आइडिया से नेस्ले काफी पैसा बचा रही है। पूरी दुनिया में नेस्ले किटकैट को बनाता है, लेकिन सिर्फ अमेरिका के पास ही ये कॉन्ट्रैक्ट है कि वो किटकैट को बना सकता है।